शर्मा को बनाया फातिमा वही दूसरी महिला से हिंदू लड़का बन की दोस्ती। जालसाज में फंसने के बाद युवतियां एसएसपी ऑफिस पहुंची। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के गोविंद पराशर आज एसएसपी ऑफिस पहुंचे। बताया कि एक हिंदू महिला से राकेश नाम बताकर राशिद पुत्र लिया, उसी दिन मुलाकात की प्यार की झांसी में फंसा लिया। बाद में महिला को जानकारी हुई कि युवक मुस्लिम ने तो महिला क्या मामला है कि पूरा कि आप लोग एसएसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? हम लोग अपनी एप्लीकेशन लगाने आए हैं क्योंकि जिस हिसाब से हमारे साथ चीटिंग हो रही है उससे हम बहुत दुखी हैं। हमारे धार्मिक भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। हमें सबसे पहले हिंदू बन के लड़के ने मुलाकात की, उसके साथ फिर बोला कि हम शादी कर लेंगे हिंदू रीति रिवाज से, लेकिन आज 14 साल तक मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि मतलब लड़के बच्चे पैदा हुए तो उनको भी अधिकार देने से इंसान मुकर रहे हैं। घर वाले तरह तरह की गालियाँ देते हैं, तरह तरह के लांछन लगाते हैं और हम लोग से बोलते हैं कि अगर धर्म में परिवर्तित हो जाओगी तो सब कुछ तुम्हारा, वरना कुछ नहीं, रखेलों की तरह ज़िंदगी जो जियो। और हम जैसे हम रह रहे हैं, हमारी एक दौरानी भी है, वो भी उसी तरह से रह रही है। मैंने तो खैर अपना धर्म नहीं अभी तक स्वीकार किया उनका, क्योंकि मैं अपने हिसाब से रह रही हूँ, लेकिन मेरे दौरानी ने पूरी तरह से उनको मुस्लिम बना के रखा है। वो आज अपना नाम, बाप का नाम, अपने आधार कार्ड में सारा चल लड़का है सामने वाला, वो मुस्लिम? नहीं, पहले उसका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था कि जिससे मुझे मालूम हो कि मुस्लिम है, लेकिन चूंकि मैं बहुत आगे निकल चुकी थी इसलिए मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो लड़का मुसलमान है। तो चूंकि मेरी बच्ची के भविष्य का सवाल था इसलिए मैंने उस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन फिर भी मैंने अपने चीज़ पर अड़ी रही कि मैं सिर्फ हिंदू हूँ और उम्र तक हिंदू रहूंगी। तो आज मैं 13 साल तक मैं हिंदू हूँ। देखिए आदमी आज क्या कर रहा है कि झूठा निकाह नामा करके, और मेरा नाम उसने सना परवीन रख रखा है जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम है, और उसका बच्चों पर दावा कर रहा है, जबकि मेरे बच्चों में भी मेरा नाम हिंदू है और मेरे ही बच्चे के नाम से मेरा अपना ओरिजिनल नाम है। मेरे कार्यालय पर दो महिलाएं आई हैं जो जगदीशपुरा थाना अंतर्गत का मामला था। महिलाओं को जो लव जिहाद में आता है, बिना वाका करके शादी कम से कम 8 साल पहले करी थी। 8 साल के बाद फिर वो जो पुरानी कहावत है वही होने लगा, मारपीट गाली गलौज, मतलब सूटकेस में नहीं मिली जान बचा के ये लड़कियां दोनों आईं। एक लड़की शर्मा है जिसको फातिमा बना दिया गया इन्होंने, उसको अभी सास ससुर जेठ नंदोई उस पर गलत निगाह करने लगे, वो भी आई हैं। और एक जो दूसरी आई हैं जो हमारी जाट समाज की हैं, इनको भी फातिमा बनाना चाह रहे थे, लव जिहाद का मैटर है, इसलिए आज एसएसपी साहब से मुलाकात कर रहे हैं। अगर एसएसपी साहब देखो क्या सुनवाई करते हैं, अगर ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की तो और आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि लव जिहादों के मैटर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये लोगों को कलावा पहन के झूठ साँच बोल के हिंदू लड़कियों को फंसाना है, फिर उनको सूटकेस में पैक करना या विदेशों में बेचना, यही इनका काम है।